मत देखो रे भाई साइड में अब वेब सीरीज, ज्वाइन विद रवि लाया है इंग्लिश वाली सीरीज। अरे इंग्लिश के बिना बन जाएगा तू मरीज, तुझे देखना है लर्न इंग्लिश वाली सीरीज। काम आए हर जगह ये, चाहे हो विलेज या हो सिटीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और यहाँ पर आज का हम लोग का नेक्स्ट सेशन है, यानी कि लर्न इंग्लिश सीरीज नंबर 2 है, और जहां पर हम लोग देखने वाले हैं 5 नोट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। जैसे इसके पहले फर्स्ट क्लास में, एज यू नो दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो का सीरीज नंबर 2 है, और साइड में लर्न इंग्लिश सीरीज नंबर 1 में मैंने बताया था कि 5 स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को सीखने के लिए सिंपली आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना है। और पहला था जिसमें लिसनिंग, यानी कि सबसे पहले आपको सुनने की आदत बनानी थी, उसके बाद सीइंग, ऑब्जर्विंग, स्पीक इन माइंड और ओरली, और इसके साथ में डेली राइटिंग। तो आज का जो है सेकंड सीरीज, यानी कि लर्न इंग्लिश के सीरीज नंबर 2 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए एक्चुअल में हमें किन किन चीजों पर काम करना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे जब आप हिंदी सीखने की शुरुआत करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हिंदी में कई सारे शब्द का वर्ड मीनिंग आपको जानना जरूरी होता है ना, और इसके साथ में कई सारे ऐसे प्रेजेंट वर्ब मुहावरे भी जानना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल देता है कि एक अनार 100 बीमार, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक अनार के पीछे 100 बीमार है, इसका मतलब कोई सामान बहुत कम मात्रा में है लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, उसके लिए काफी ज्यादा लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे किसी सामान की मान लीजिए मार्केट में बहुत कम है सप्लाई, लेकिन उसके लिए जो है मांग की जा रही लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर तो सबसे पहले अगर एक इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश के सीखने की बात करें तो सबसे पहली चीज के जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो होती है वोकैब, है ना। ये वोकैब सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब आप इन स्टार्टिंग मैं कहूँ 5 मिनट में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो आपको हो सकता है मजाक लगे, लेकिन एक्चुअल में आई एम नॉट किडिंग, ये जो है आपका मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल सा आप 5 मिनट में इंग्लिश बोल सकते हैं, बस किसकी हेल्प से, वोकैब की हेल्प से। वोकैब की हेल्प से का मतलब लिमिटेड इंग्लिश आप शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग जीरो से ही होता है, नो प्रॉब्लम। जैसे आप कह सकते हैं गो, सिट, कम, ईट, ड्रिंक, लाइक दिस, आप इस तरह से बोल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट सेक्शन, जो पहला सेशन की जरूरत होती है, फर्स्ट सेक्शन वो होगा एक वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में आप वर्ब से रिलेटेड वोकैबुलरी मिलेगी, जैसे गो मींस जाना, गो वेंट गॉन, कम मींस आना, कम केम कम, इस तरह से आपका चलेगा, ये फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में बात करें, जैसे आपने हिंदी में देखा था कुछ ऐसे मुहावरे हैं, है ना, कुछ ऐसे वाक्यांश हैं या कुछ ऐसे कहावते हैं कि जो कि याद करना जरूरी होता है, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज में लोग बोलते रहते हैं, है ना। जैसे एक ये है जैसी करनी वैसी भरनी, हिंदी में है ना, इंग्लिश में इसको बोला जाता है टिट फॉर टैट, सेम। यानी कि सेकंड नंबर पर आपको जरूरत लगने वाली है डेली बेस्ड सेंटेंस, यानी कि डेली बेस्ड सेंटेंस। डेली बेस्ड सेंटेंस में आप लोग कुछ सेंटेंस को यूज भी करते होंगे, जैसे माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, है ना, इस तरह से डेली बेस्ड सेंटेंस। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इसका मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रेजेंट वर्ब टाइप का है। तो डेली बेस्ड सेंटेंस आपको तैयार करना होगा, यानी कि अगर एक्चुअल में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एक तो वोकैब पर काम करना होगा, वोकैबुलरी पर मीनिंग याद करनी होगी। शुरुआत में अगर आप मीनिंग नहीं भी याद करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो भी आपको मीनिंग याद है उससे आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर दीजिए, और जहां कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिक आप मीनिंग याद करना शुरू कर दोगे। डेली बेस्ड सेंटेंस में आप यूज करो ऐसे, पर डे एक दो सेंटेंस सिलेक्ट करो और उसको बोलना शुरू करो, है ना। इसके बाद में क्योंकि वोकैब, अभी मैंने बोला आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा वोकैब याद करने की जरूरत नहीं है,
इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी आप खुद याद करते चलोगी। कैसे? जो कि तीसरा होता है, तीसरा यहां पर जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस हम आपको बताएंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस। देखिए ये जो लर्न इंग्लिश का सीरीज वाइज सिस्टम मैंने बनाया है, ये मैंने खुद से बनाया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। पहले में मैंने 5 स्टेप दिया था इंग्लिश को सीखने के लिए, और आज सीरीज नंबर 2 में मैं बता रहा हूं कि 5 नोट्स यानी कि 5 चीजों पर आपको काम करने की जरूरत होगी, है ना। जैसे स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस का मतलब सिंपल सा, मैं मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ले लूंगा। जैसे यहां पर एक मैं बता रहा हूं, बिगेन टू। अब बिगेन टू का यूज एक नॉर्मली रफली किया जाता है लगा लगी लगे के सेंस में। जब आप इसको इस पर सेंटेंस आप बनाना चाहोगे, जैसे मैं कहूं मैं सोने लगा, अब बताओ आपको सोने की अगर मीनिंग नहीं पता रहेगा तो क्या आप सही कर पाएंगे? भाई मैं सोने लगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई बिगेन टू स्लीप। आई बिगेन टू स्लीप, मैं सोने लगा, मैं गाने लगा, मैं आने लगा, मैं जाने लगा, मैं खाने लगा, इस तरह से कई सारा। अब आपको क्या सोना, गाना, खेलना, बैठना, उठना, आना, इन सबके मीनिंग की जरूरत लगी। देखिए एक कहावत कहा गया है, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको एक्चुअल में मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं लगेगी तब तक आप याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबके केस में होता है, खासकर बचपन में तो कुछ ज्यादा ही होता है। हम लोग डिक्शनरी लाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर एक दिन में 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो महीने का 300 हो जाता है, लेकिन महीना बीतते बीतते 30 भी सही से नहीं याद होती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें कभी आवश्यकता ही नहीं लगी। अगर आवश्यकता लगे उस समय आप याद कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको हमेशा परमानेंटली याद रहेगा। क्लियर है? तो जैसे देखिए, मैं सोने लगा, आई बिगन टू स्लीप, मैं जाने लगा, आई बिगन टू गो, वह आने लगी, शी बिगन टू कम, मैं खाने लगा, आई बिगन टू ईट। इस तरह से खाना, रोना, सोना, पाना, बेसिक तो और मीनिंग में ये मानकर चल रहा हूं कि आपको याद है, लेकिन अगर नहीं भी याद होगा तो इस सेक्शन के थ्रू मैं आपको इस 5 नोट्स के थ्रू पूरा लर्न इंग्लिश का सीरीज जो चल रहा है ये जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है? उसके थ्रू मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी तो आपको ध्यान देना है कि शुरुआत आपको यहीं से, इसीलिए मैंने तीसरा जो बनाया है स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस। एक्चुअली स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस का मतलब इस तरह से रहेगा, जैसे अभी मैंने बता दिया मैं सोने लगा, अब आप ऐसे बनाओ क्या क्या बन सकते। मैं सोने लगा, मैं जाने लगा, मैं आने लगा, मैं खाने लगा, मैं खेलने लगा, मैं पढ़ने लगा, मैं लिखने लगा, इस तरह से आपको ऐसे नहीं लेकिन बोलना है। आपको पहले हिंदी फिर इंग्लिश, जैसे मैं सोने लगा आई बिगन टू स्लीप, मैं जाने लगा आई बिगन टू गो, मैं खाने लगा आई बिगन टू ईट, मैं खेलने लगा आई बिगन टू प्ले, मैं रोने लगा आई बिगन टू क्राई, इस तरह से आपको हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, यानी कि इन स्टार्टिंग आप जो है इंग्लिश सीख रहे हो तो आप स्टार्टिंग आपको अपने मदर टंग यानी कि हिंदी का यूज करना ही होगा। हिंदी की हेल्प से जहां धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा आप डायरेक्ट इंग्लिश ही बोलना शुरू कर दोगे। क्लियर है? कोई भी सेंटेंस जैसा भी होगा, यानी कि पहले हमें जरूरत लगती है वो कैब की, उसके बाद में कुछ हमें डेली बेस्ड सेंटेंस के, जैसे हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, व्हाट्सअप, रनिंग दीज डेज, इस तरह से व्हाट्स रनिंग दीज डेज, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच कंट्री डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इस तरह से कई सारे सेंटेंस हमें रट लेना होगा जो कि डेली बेसिस पर यूज कर शुरुआत में, है ना। क्योंकि एक लेवल के बाद जब आप इसी सीरीज को कंटिन्यू अगर आप चलते रहेंगे तो एक लेवल के बाद आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेली बेस्ड सेंटेंस होते हैं या तो स्ट्रक्चर बेस्ड या टेंस बेस्ड इस तरह से होते हैं। क्लियर है? इसके बाद में ये आपका एक आपको बहुत जरूरी है और वो रहेगा आपका कॉम्प्रीहेंशन क्लास, है ना। ये चीज ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा नया है, और नया क्या, ये जो पूरा लर्न इंग्लिश का सीरीज वही चल रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी ने भी आज तक नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह से मैं सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ये सब, कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। तो इस तरह से आप करेंगे 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो देखिए कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन एक है, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का मतलब ये है कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब पढ़कर या सुनकर समझने की जो कैपेसिटी होती है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग और लिसनिंग, है ना। किसी चीज को पढ़कर या सुनकर जो, जैसे अब क्या होता है भाई, ऐसे आप दिमाग लगाओ, जब मैं किसी की बात सुनूंगा ही नहीं तो कहां से समझूंगा,
है ना, जब मैं कोई चीज पढ़ूंगा ही नहीं तो कहां से समझूंगा। तो कॉम्प्रिहेंशन क्लास का, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का मतलब यही सीधा टारगेट रहेगा कि आपको इंग्लिश में लिखी हुई चीजों को पढ़ना है। यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द इंग्लिश मैटर। आपको चाहे समझ में आए या ना समझ में, आपको ये नहीं, पहले तो आपको हैबिट बनानी है कि आपको इंग्लिश पढ़ने की हैबिट बनानी है। आपको ये नहीं देखना मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन आपको समझना है, थोड़ा जैसे पढ़ना है उसके साथ में समझने का प्रयास करना है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सीखना शुरू किए हो तो आज नहीं तो कल तो आएगा ही। और इसके बाद में सबसे जो ज्यादा जरूरत लगने वाला है और वो है इंग्लिश, इंग्लिश फ्रॉम जीरो। ये चीज है आपका इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस, यानी कि एक सेक्शन हम लोग का ये रहेगा इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो से काम करेंगे। अगर आप लोग को ये इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल का आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिवीजन कर लेना है। अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेसिक से भी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में तो ज्यादा फोकस किया जाएगा स्पीकिंग ही इंग्लिश पर, लेकिन धीरे 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 ग्रामेटिकल इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, चूंकि जीरो टू एडवांस है। तो इस तरह से ये जो लर्न इंग्लिश का सीरीज है, लर्न इंग्लिश के सीरीज नंबर टू में अगर आप एक्चुअल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पांच चीजों पर काम करना होगा। वोकैबुलरी पर, मीनिंग पर, वर्ब मीनिंग पर, इसके साथ में डेलीबरेटली कुछ सेंटेंसेस को आपको शुरुआत में याद करना होगा और उसको यूज करना होगा। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जहां एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तब तो भाई काम हो ही जाएगा। इसके बाद में स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस, भाई मेन कॉन्फिडेंस यही लाएगा, है ना। इस पर आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करना रहेगा। और कॉम्प्रिहेंशन क्लास में, कॉम्प्रिहेंशन क्लास का मतलब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी फील्ड में इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि आप जो है एकेडमिक लेवल पर हो, अगर आप एकेडमिक लेवल में हैं तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश की बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब तो और अच्छी बात है, आपको रीडिंग करने का बढ़िया अवसर मिल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, रीडिंग करने के साथ साथ में आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। समझ में आए तब ठीक, ना समझ में आए तब भी ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है। ये कॉम्प्रिहेंशन क्लास, कोई अगर बोल रहा है तो उसको आपको सुनना है, और सुनने के दौरान समझना है कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है। क्लियर है? और इसके बाद अगर मान लीजिए आप एकेडमिक लेवल के हैं तो आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो नए नए वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिक मिलेंगे, आपको सर्च करके लिख लेना है। क्लियर? और एक लास्ट ये है इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस। एक्चुअल में इस सेक्शन का मतलब यही है कि अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, है ना, तब आप बिल्कुल जीरो से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इंग्लिश को सीखने के लिए यहाँ पर 5 नोट्स की जरूरत होगी। वैसे इस लर्न इंग्लिश के सीरीज में, जैसा कि सीरीज नंबर टू है, मैंने ये सोच रखा है कोई भी चीज हमेशा 5 सेक्शन में डिवाइड करके दिया जाएगा। जैसे अभी सबसे पहले क्लास था 5 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश, अब इस बार क्या है 5 नोट्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को भी मैं 5 सेक्शन में डिवाइड कर दूंगा। फिर इसके बाद कई सारी चीजें जो भी आएंगी सारी की सारी 5 स्टेप्स में ही रहेंगी, कोशिश यही करूंगा। क्योंकि 5 स्टेप्स ना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टेप है ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट है, एक मीडियम में है, मिडिल में है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब कहीं भी आप रहें, आपका हमेशा फोकस है, फोकस रहना चाहिए वोकैब सेक्शन, डेली बेस्ड सेंटेंस। आपको सिंपल सा अगर मैं कहूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखो एक नोट्स बहुत जरूरी है, आप मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी। क्लियर? आपको सिंपली से 5 कॉपी बनाना है, और डेली बेसिस पर चाहे आप 1-2 ही वर्ड मीनिंग याद कर लो या ना याद करो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस पर जब आप काम करो उस दौरान आपको जो जो वर्ड मीनिंग की आवश्यकता लगे आप वो कैप सेक्शन वाले नोट्स में लिखते रहो। डेली बेस्ड के सेंटेंस ज्यादा नहीं, 1-2, या कोई बोल रहा है सुनकर आप उसको बोलने में हैबिट लाओ, है ना। यू हैव टू मेक अ हैबिट टू स्पीक द इंग्लिश सेंटेंसेस। क्लियर है? सिंपली स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर चलेगा हिंदी इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन क्लास में जस्ट यू हैव टू रीड एनी इंग्लिश मैटर, वेदर यू कैन अंडरस्टैंड और नॉट। आप चाहे समझो है ना, आप समझ सकते हो या ना समझ सकते हो, मैटर नहीं करता है। बट यू हैव टू स्पीक, यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट रीड, यू मस्ट लिसन। आपको सुनना है, बोलना, जो भी आ रहा है लिमिटेड वर्ड की हेल्प से आप बोलो
और लास्ट में तो भाई अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो तो इंग्लिश फ्रॉम जीरो टू एडवांस से वैसे भी मैं आपको स्ट्रॉन्ग तो कर ही दूंगा, बट क्या है अगर आप इसके सहारे बैठे रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप इस तरह से 5 नोट्स पर प्रॉपर रूप से काम करते चल रहे हो तो आप बहुत ही जल्द, आप जितने भी दिन का टारगेट बनाए हो, 3 महीना एटलीस्ट होता है, बाकी आप चाहो तो 10-20 दिन में भी सीख सकते हो। सीखने का मतलब आप ऐसे बोलना शुरू कर दोगे, और जहां पर एक बार आप बोलना शुरू किए, जहां पर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जनरेट हो, तहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी तब भी बताइएगा। वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी, कोई भी प्रॉब्लम जैसे भी होगी आपको फीडबैक जरूर देना है। और भाई समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना, अदरवाइज डिसलाइक आप कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई क्वेरी है, कोई डिमांड है, इसमें कोई इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तब आप जो है कमेंट करके बताइएगा इसमें कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। चूंकि ये लर्न इंग्लिश सीरीज, ये जो है मैं खुद से मैंने इसको जनरेट किया है, क्लियर है। ये नोट्स जो बहुत मेहनत से, मतलब जो भी मैं तैयार करता हूँ, जो भी ये खुद की माइंड से, ना कहीं ना माइंड मैपिंग होती क्या कैसे करना है, तो इस 5 सेक्शन के थ्रू मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ, क्लियर है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर कहना चाहूंगा, इसको अपना चैनल समझकर खासकर उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनको एक्चुअल में इसकी जरूरत है, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो, सी यू अगेन, थैंक यू।